नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन मेनियंथिस के सिम्टम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो अपनी आवाज़ से मिलता रहे। होम्योपैथिक मेडिसिन मेनियंथिस के सिम्टम। मेनियंथिस औषधि का प्रयोग कई प्रकार के सिर दर्दों तथा सविराम ज्वर यानी बुखार को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उन रोगियों के रोगों को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें बहुत से रोग होने से पहले या रोग के साथ दिल में ऐसी बेचैनी होती है कि मानो कोई दुर्घटना होने वाली है। कुनैन के उपयोग करने के कारण उत्पन्न रोग की अवस्था को ठीक करने के लिए मेनियंथिस औषधि का प्रयोग करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप रोग ठीक हो जाता है। मेनियंथिस औषधि निम्नलिखित लक्षणों के रोगियों के रोग को ठीक करने में काफ़ी उपयोगी है, जैसे सिर में दर्द संबंध लक्षण। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके सिर पर कोई बोझ रखा हुआ है तथा उसके साथ ही दबाव महसूस होता है। सिर में दर्द ऊपर से नीचे की ओर आता है। जब सिर पर हाथ से दबाव देते हैं तो आराम महसूस होता है। चलने से हर एक कदम पर सिर पर बोझ और दबाव महसूस होता है। रोगी को इस प्रकार के लक्षण होने के साथ ही हाथ तथा पैर बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मेनियंथिस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। ज्वर से संबंधित लक्षण। रोगी को हर चौथे रोज बुखार हो जाता है। उसको ठीक करने के लिए मेनियंथिस औषधि काफ़ी उपयोगी है। ऐसे रोगी में एक प्रकार का और भी लक्षण होता है, जैसे ठंड लगना। रोगी के हाथ और पैर बर्फ की तरह ठंडे रहते हैं और शरीर का बाकी भाग गर्म रहता है। नाक के आगे के भाग में और पेट पर ठंड महसूस होती है। रोगी को मांस खाने की इच्छा होती है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मेनियंथिस औषधि का प्रयोग करना लाभदायक होता है। मलेरिया या जरौनी बुखार से संबंधित लक्षण। मलेरिया या जरौनी बुखार में गड़बड़ी होने पर मेनियंथिस औषधि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे रोग जल्दी ठीक हो जाता है तथा ऐसे रोगी को ठंड अधिक लगती है। कमजोरी से संबंधित लक्षण। रोगी को कपकपी लगने के साथ शरीर में अधिक कमजोरी महसूस होती है। कपकपी के साथ ही हाथ पाँव बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मेनियंथिस औषधि का प्रयोग काफ़ी लाभकारी माना गया है। पेट से संबंधित लक्षण। पेट फूल जाता है, पेट में ठंड महसूस होती है तथा उसके साथ सविराम ज्वर हो जाता है। हाथ पैर ठंडे और चेहरा गर्म हो जाता है। जब रोगी को बुखार हो जाता है तो प्यास नहीं लगती है। रोगी अंगड़ाइयां लेता रहता है और कपकपी होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मेनियंथिस औषधि का प्रयोग करना चाहिए। आमाशय से संबंधित लक्षण। रोगी को कभी प्यास नहीं लगती है, भूख तेज लगती है, थोड़ा सा खा लेने पर भी भूख मिट जाता है। मांस खाने की इच्छा होती है। ठंड महसूस होती है, जिसका असर ऊपर की ओर से भोजन नली तक फैल जाता है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए मेनियंथिस औषधि का प्रयोग काफ़ी फायदेमंद होता है। संबंध रिलेशन। कैल्क जेल्स, सीपिया, मैग्नेम्यूर, कैक्टस तथा पेरिस औषधि कुछ गुणों की तुलना आप मेनियंथिस औषधि से कर सकते हैं। लैक, लाइको, पल्स, रस, कैप्स तथा वेरेट्रम के प्रयोग करने के बाद मेनियंथिस औषधि का प्रयोग करने से रोगी को अधिक आराम मिलता है। वृद्धि। आराम करने से, काम शाम के समय में सीढ़ियों से उतरने से, तंबाकू का सेवन करने से, लेटने से तथा स्थिर रहने से रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। शमन।
खेलने कूदने से, झुकने से तथा दर्द वाले भाग पर दबाव देने से रोग लक्षण नष्ट होने लगते हैं। मात्रा डोजेज मेलियंथिस औषधि की 3 से 30वीं शक्ति का प्रयोग रोगों को ठीक करने के लिए करना चाहिए। हम अपने अगले वीडियो में इस महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।